दोस्तों आज हम इंस्टाग्राम की एक और ट्रेंडिंग रील के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं जो कि काफी तेजी से वायरल हो रहा है। पहला वीडियो देख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसे बनाना कैसे है। दोस्तों ये वाला रील इंस्टाग्राम में काफी तेजी से वायरल हो रहा है और इसे बनाना भी बहुत ही इजी है। चलो वो सब बातें बाद में करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये वाला रील बनाने के लिए हमें चाहिए क्या। दोस्तों आपको सिर्फ 10 फोटो चाहिए। पहले 4 फोटो से हम एक ग्रुप फोटो बना लेंगे जो कि हम बनाएंगे पिक्सार्ट में। लेकिन अगर आप पिक्सार्ट इस्तेमाल नहीं करते तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बहुत सारा ऐप्स है जिसमें आप इस टाइप का फोटो एक झटके में बना सकते हो। उनमें से कुछ ऐप्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उनसे आप ये वाला ग्रुप फोटो बना लेना। ये तो हो गई ग्रुप फोटो की बात, बाकी का जो प्रोसेस है बहुत ही इजी है जो कि आपको वीडियो में आगे देखने को मिल जाएगा। तो बने रहो वीडियो में एंड तक, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर, लेकिन उससे पहले ध्यान दो अपने भाई की ओर। दोस्तों मेरा नाम है सोहेल, आप देख रहे हो इस हमारे यूट्यूब चैनल। चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे आपको हर टाइप का एडिट मिलता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों ये वाला वीडियो हम बनाएंगे वेन एप्लीकेशन में, लेकिन उससे पहले ये जो 4 फोटो का कॉम्बिनेशन वाला फोटो है ये वाला फोटो हम बना लेंगे पिक्सार्ट में। तो सबसे पहले हम पिक्सार्ट एप्लीकेशन को खोल लेते हैं। तो पिक्सार्ट को खोलने के बाद आपको इस प्लस वाला ऑप्शन में जाके यहाँ पे आपको जाना है, ये जो कॉलेजेस ऑप्शन के नीचे ये जो ग्रिड वाला ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन पे आपको जाना है। और यहाँ पे जाके आपको अपना 4 फोटो सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी 4 फोटो। तो मैं यहाँ से अपना 4 फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने जो है अपनी 4 फोटो को सिलेक्ट कर लिया है। अब हमें इस एरो पे क्लिक करना है। तो एरो पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे जाना है रेशियो पे। रेशियो पे जाने के बाद आपको यहाँ पे राइट की तरफ जाके ये जो इंस्टाग्राम स्टोरी वाला जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन इनेबल कर लेना है। और फिर आपको लेफ्ट में लेआउट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वो वाला ऑप्शन पे जाना है। और यहाँ पे आपको लेफ्ट की तरफ स्लाइड करना है। इसका जो लेआउट है वो बहुत सारे लेआउट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वो जो रील वाला जो लेआउट है वो वाला लेआउट आपको सिलेक्ट करना है। तो ये वाला लेआउट जो है ये हमारा रील वाला लेआउट है। ये वाला लेआउट को सिलेक्ट करके आपको इस एरो पे क्लिक करना है। ओके, तो एरो पे क्लिक करने के बाद हमारा जो फोटो है वो पूरा का पूरा बनके रेडी हो जाएगा। 4 फोटो के साथ अपना स्क्वायर फोटो बनके रेडी हो जाएगा। और फिर आपको इस एरो पे क्लिक करके अपनी फोटो को गैलरी में सेव कर लेना है। ओके, सेव करने के बाद हमारा पिक्सार्ट का काम हुआ खत्म। अब हम चलेंगे अपनी VN ऐप में। तो चलते हैं VN में। VN में जाने के बाद आपको इस प्लस वाला ऑप्शन में जाके यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट में जाना है। और यहाँ पे आपको जाना है फोटोज़ पे। ओके, फोटो पे जाने के बाद आपको ऑल पे जाके यहाँ से आपको जाना है पिक्सार्ट में, पिक्सार्ट वाले फोल्डर में। ओके, पिक्सार्ट में जाने के बाद हम अपनी फोटो को जो 4 फोटो का कॉम्बिनेशन वाला फोटो है वो वाला फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर आप अपना कोई भी 6 फोटो को सिलेक्ट करना, जो 6 फोटो आप इस फोटो के बाद लगाना चाहो वो वाला 6 फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से अपनी लाइटरूम के फोल्डर से अपनी 6 फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो 1 नहीं, ये वाला नहीं चलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, अपने 6 फोटो को सिलेक्ट करने के बाद आपको इस एरो पे क्लिक करना है। और फिर मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगा, वो वाला टेक्निक से आप अगर बनाते हो तो आपकी वो जो रील है वो कुछ ही मिनटों में बनके रेडी हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जाना है ओरिजिनल पे, और यहाँ पे आपको 9:16 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। और फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको म्यूजिक के साथ बीट वगैरह मैचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला वाला जो फोटो है उसको 2.5 सेकंड तक रखना है, यहाँ तक। ओके, 2.5 सेकंड तक कर दिया। फिर नेक्स्ट जो फोटो है उसको रखना है 0.25 सेकंड तक, मतलब बाकी सारी की सारी जो फोटो है पहला वाला फोटो को छोड़ के बाकी सारी की सारी जो फोटोज है उनको आपको 0.25 सेकंड कर देना है। ओके, ये 0.25 हो गया।
अब अपना नेक्स्ट फोटो को भी 0.25 सेकंड कर देंगे। कोई बात नहीं, 2.6 भी चलेगा। ओके, इसको भी 0.25 सेकंड कर देंगे। ओके, ये वाला फोटो को भी 0.25 सेकंड कर देंगे। 0.25, ये वाला फोटो को भी 0.25 सेकंड कर देंगे। ओके, और लास्ट वाले फोटो को भी 0.25 सेकंड कर देंगे, लेकिन हम उसको म्यूजिक के एंड तक रखेंगे। अब देखते जाओ, आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसको 0.25 सेकंड कर दिया, 2.6 हो गया, कोई बात नहीं। 0.25 सेकंड कर देने के बाद यहाँ पे आखिर में जो ब्लैक वाला हिस्सा है, इसे आपको नीचे की तरफ ड्रैग करके डिलीट कर देना है। अब आपको यहाँ पे म्यूजिक ऐड करना है, तो म्यूजिक ऐड करने के लिए आपको इस प्लस म्यूजिक वाले ऑप्शन में जाके म्यूजिक में जाना है, और यहाँ पे आपको इस प्लस वाले ऑप्शन में जाके एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे जाना है। और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रखा है, वो वाला वीडियो आपको डाउनलोड कर लेना है और वो वाला वीडियो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे वो वाला वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका जो म्यूजिक है वो यहाँ पे आ जाएगा। वो वाला म्यूजिक आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे टिक पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी म्यूजिक आ जाएगा। और म्यूजिक आते ही आपका वीडियो जो है वो पूरा का पूरा बन के रेडी हो जाएगा। लास्ट में आपको ये जो आपका आखिरी जो फोटो है इसको आपको बढ़ा के म्यूजिक की एंड तक लाना है। म्यूजिक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो फोटो को भी हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे और फिर हमारा जो वीडियो है वो पूरा का पूरा बन के रेडी हो जाएगा। अब हम इसे एक बार प्ले करके देख लेते हैं दोस्तों। तो काफी शानदार तरीके से हमारा जो वीडियो है वो पूरा का पूरा बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए आपको इस एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे ये जो सेटिंग है ये आप देख लो, ये वाला सेटिंग आपको एनेबल करके यहाँ पे टिक पे क्लिक करते ही आपकी वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर लो। और मुझे अपनी पोस्ट में टैग भी करना ताकि मैं आपकी पोस्ट देख सकूं, और अगर अच्छी लगी तो मैं उसे शाउट आउट भी दे सकूं। तो फॉलो भी कर लेना और टैग भी करना। बाकी लेफ्ट वाला वीडियो इंस्टाग्राम की सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग रील के ऊपर, और राइट में ट्रेंडिंग रील्स का पूरा प्ले लिस्ट है, तो देखो और इन्जॉय करो। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।